देखिए, 17 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड से पहले गाजीपुर में आईडी रिकवर हुआ था। उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कुछ इंटेलिजेंस और कुछ इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आए थे, जिसमें पता चला था कि इसी तरह की आईडी सीमापुरी विस्तार में किसी कमरे में है। उसी को डेवलप करते हुए कल वहाँ पे उसको रिकवर किया गया है और न्यूट्रलाइज किया गया है। आईडी का जो मिलना है और उसकी जो पहले भी एक टेरर मॉड्यूल हम लोग ने बस्ट किया था, इन सभी इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें जो निकल के आ रही हैं ये हैं कि जो इस तरह की आईडीज हैं वो पब्लिक प्लेसेस में ब्लास्ट करने के लिए तैयार की गई हैं, और इनका जो दूसरी जगह भी आईडीज रिकवर हुई हैं उसमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज हैं। ट्रेल इसकी हम लोग निकाल रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा काफ़ी क्रूशल स्टेज पे है, तो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा देना उचित नहीं होगा, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्पेशल सेल है और अधिकारी हैं और उनके साथ जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो काफ़ी मुस्तैद है, और कोई भी इस तरह की हरकत होती है तो खबर मिलती है। सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ भी हमारा तालमेल अच्छा है, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की हरकत दिल्ली में नहीं हो और उसको प्रीएम्प्ट किया जा सके, और उसके पीछे जो भी नेटवर्क है, चाहे लोकल नेटवर्क हो या इंटरनेशनल नेटवर्क हो, उसको हम लोग एक्सपोज कर सकें। इन्वेस्टिगेशन जिस स्टेज पे है उस स्टेज पे मैं कोई भी डिटेल्स रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगा। इतना मैंने कहा है कि जो भी कड़ी हमें मिल रही है उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड फॉलो अप एक्शन हम लोग ले रहे हैं। फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो भी नेटवर्क इसमें शामिल है उनको हम जल्दी ही एक्सपोज करेंगे, आपको बताएंगे। और जो सर किराएदार है वो अभी फरार है और जो सस्पेक्ट है वो एक्सपॉन्डिंग है। मैंने आपको बताया ना, अभी इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स में फ्यूचर में क्या होने वाला है या जो हमारे पास कड़ियां हैं उसको मैं डिटेल एक्सपोजर अभी नहीं कर सकता हूँ।